मार्केट जैसे रिच टेस्टी क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए आज हम लाए हैं ये आइसक्रीम प्रीमिक्स। ये दो फ्लेवर के आइसक्रीम प्रीमिक्स यूज़ करके आप घर पे मिनटों में इतनी टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, यदि आपने इसे एक बार बना लिया तो आप मार्केट की आइसक्रीम कभी नहीं खाएंगे। ये इतनी आसान है, सस्ती है, टेस्टी है, क्रीमी है, सारे टिप्स हमने दिए हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये मेजरिंग टूल्स आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास में मेजरिंग कप्स हैं जो कि मार्केट में इजीली बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। 100 से 150 रुपए से इनकी रेट स्टार्ट होती है, जिसमें ये पूरा सेट मिलता है, जिसमें कप्स और ये स्पून्स आती हैं। इन सभी कप के ऊपर मेजरिंग जो नाप होता है, माप वो लिखा रहता है और स्पून्स पे भी लिखा रहता है। तो आप इनका यूज़ करके एकदम परफेक्ट प्रीमिक्स बना सकते हैं। हम इस तरह से कप्स यूज़ करके ही आपको रेसिपीज देते हैं। और सेकंड है ये GMS पाउडर, और जो एक और पाउडर इसमें यूज़ होता है वह है CMC पाउडर। ये आइसक्रीम को सॉफ्ट बनाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, जल्दी से आइसक्रीम को पिघलने नहीं देता और बहुत ही टेस्टी इससे आइसक्रीम बनती है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर, सुपरमार्केट, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाते हैं। साथ ही है ये वनीला पाउडर, जो कि आपको ऑनलाइन या किसी भी केक मटेरियल सप्लायर शॉप पे मिल जाएगा। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो इस तरह से आइसक्रीम बनाते वक्त ये लिक्विड वाला वनीला एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम कमर्शियल मार्केट जैसा प्रीमिक्स बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वनीला पाउडर का यूज़ किया है ताकि आप इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले बनाएंगे वनीला आइसक्रीम प्रीमिक्स। इसके लिए आधा कप पिसी हुई चीनी ली, ये नॉर्मल चीनी जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया। साथ ही 1/4 कप हम ये GMS पाउडर ले लेंगे और इसे भी हम इसमें डालेंगे। माप का आप ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपका प्रीमिक्स एकदम परफेक्ट बन के आएगा। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे CMC पाउडर ले लेंगे। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये नॉर्मल कॉर्नफ्लावर है जो कि हम नॉर्मल कुकिंग और सूप्स को थिक करने में यूज़ लेते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून ये मिल्क पाउडर। आप कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर यूज़ करने से जो आइसक्रीम में क्रीम यूज़ की जाती है उसका हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा और हम मिनटों में इस आइसक्रीम को बना लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला पाउडर। जैसा कि मैंने बताया था, वनीला पाउडर नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिए। आइसक्रीम बनाते वक्त आप उसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के लिए आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सर में घुमा भी सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं भी लंप या कुछ आया तो वह आसानी से पिस जाएगा। या फिर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर छान लूँगी, क्योंकि मैंने चीनी को पहले ही पीस कर छाना था। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे छान कर इस प्रीमिक्स को तैयार कर लूँगी। मैं ऑलरेडी कम से कम 8-10-15 तरह के प्रीमिक्स बता चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसीलिए मैं आपके लिए आइसक्रीम प्रीमिक्स भी लेकर आई, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग रेसिपी थी। और इस रेसिपी को आप कौन से सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में वह भी ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि हमने सभी को नाप के लिया था, तो किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। अच्छे से छन जाने के बाद में हमारा ये वनीला आइसक्रीम प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं और फ्रेंड्स, जब आप कोई भी आइसक्रीम बनाए इसमें आप कोई फ्लेवर डाल सकते हैं। अब मैं 1/2 कप पाउडर शुगर ले रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स के लिए। 1/4 कप हम GMS पाउडर ले लेंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे CMC पाउडर को भी डाल देंगे। तो मैं बार बार कह रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, जैसा कि हमने वनीला आइसक्रीम प्रीमिक्स में डाला था। तो इस तरह से आप ढेर सारे प्रीमिक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। आइसक्रीम प्रीमिक्स के लिए हम यहाँ पे कोको पाउडर डालेंगे, अनस्वीटेंड कोको पाउडर, जो कि हमने 3 टेबलस्पून लिया है। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ कीजिए तो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ, यदि आपको इसमें 2x, 3x, 4x जो भी क्वांटिटी बनानी है आप उतनी बना के आराम से रख सकते हैं। बहुत सिंपल है इसे बनाना और स्टोर करना भी बहुत ही आसान है। अब हम इसे भी छान लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स भी तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैंने आपको केक प्रीमिक्स भी दिए थे, उसे भी आपने बहुत बहुत पसंद किया था। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने यहाँ पे ये आइसक्रीम प्रीमिक्स भी बनाया है। तो इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को आप यदि पसंद करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि आपको और किस तरह की रेसिपी चाहिए, तो हम आपके लिए उसी तरह की रेसिपीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इन्हें किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इन्हें स्टोर करके आप फ्रिज में आराम से 5 से 6 महीने रख सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं
इनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आजकल लिए जाते हैं, आप वह भी ले सकते हैं। तो दोनों पाउडर हमारे तैयार है। अब इस पाउडर को यूज़ करके किस तरह से आइसक्रीम बनाई जाती है वह मैं आपको बताऊँगी। तो डिटेल वीडियो है, यदि सच में आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप ये चॉकलेट प्रीमिक्स ले लूँगी। तो 1/4 कप ध्यान रखें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। 1/4 कप हमने यहाँ पे आइसक्रीम प्रीमिक्स के लिए 250 ml यहाँ पे मिल्क लिया, यानी एक ग्लास हमने यहाँ पे मिल्क लिया है। नॉर्मल मिल्क है, आप कोई भी हैवी फुल क्रीम नॉर्मल वाला स्किम मिल्क पाउडर कुछ भी मिल्क ले सकते हैं। उसमें हमने 1/4 कप वनीला आइसक्रीम प्रीमिक्स डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमने अभी तक गैस ऑन नहीं की है, इसे इसी तरह से नॉर्मल दूध में हमें मिक्स कर लेना है। दूध ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे कंटिन्यूस हिलाएंगे। ध्यान रखें इसे हमें कंटिन्यूस हिलाना है जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता है। करीब 7 से 8 मिनट में ये थिक हो जाएगा। सिर्फ 7 से 8 मिनट तक हमें यहाँ पे मेहनत करनी है, कंटिन्यूस हिलाना है जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं होता है। ध्यान रखें सभी चीज़ों को अच्छे से पकाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर GMS और CMC का कच्चापन आएगा और आपकी आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे कंटिन्यूस हिलाते हुए इसे हमें पका लेना है। और आप देखें धीरे धीरे चम्मच के ऊपर ये अच्छे से कोट हो रहा है। चम्मच के बैक साइड में इस तरह से फिंगर से एक अप लाइन बनाएं, देखिए ये आपस में मिक्स नहीं हो रही है मिक्सर। तो हमारे मिक्सर अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद में हम यहाँ पर इसे रखेंगे नहीं, इसे हमें कंटिन्यूसली इसी तरह से हिलाना है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मलाई का एक लेयर नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूस इसे आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं, फटाफट से 2 से 3 मिनट में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और इस तरह से ठंडा होकर इसे साइड में रखें। तब तक हम बनाते हैं चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स से चॉकलेट आइसक्रीम। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे आइसक्रीम प्रीमिक्स भर लिया है और इसमें भी मैं सेम वैसे ही 250 ml दूध का यूज़ करूँगी। तो यदि आप 1/2 लीटर दूध यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 कप प्रीमिक्स डालिए, सिंपल सा मेथड है। तो इस तरह से मैंने देखिए 1/4 कप में 250 ml दूध में ये 1/4 कप चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी भी हमने यहाँ पे दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर कर लिया है और मैं यहाँ पे स्किम्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, यानी हैवी फुल फैट मिल्क यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको एक ये और बेनिफिशियल मिल जाए कि किसी भी दूसरे इस आइसक्रीम को बनाया जा सकता है, रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएंगे। अब हम इसे भी गैस पे रख देंगे और इसे भी सेम हम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे। आप इसे पकाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, हिलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे या फिर ये तली पे चिपक जाएगा मिक्सर और ये जल भी सकता है। तो देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अच्छे से गाढ़ा होने के बाद भी सेम इसे भी स्पून टेस्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने पहले बताया था परफेक्टली हमारा एक कुक हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से हम वनीला आइसक्रीम प्रीमिक्स के मिक्सर को और साथ ही चॉकलेट इस मिक्सर को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसे एकदम अच्छे से रूम टेम्परेचर पर हमें कंटिन्यूस हिलाते हुए ठंडा करना है और ठंडा कर लेने के बाद में हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो फुल डिटेल वीडियो में आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए ये हमारा वनीला प्रीमिक्स है, से हमने बनाया जो मिक्सर है वह इसमें एक कंटेनर में डाल दिया और साथ ही मैं यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स से बना हुआ ये आइसक्रीम का मिक्सर भी मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ। इसे हम ढक देंगे और ढक के करीब 7 से 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में सेट होने रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। नॉर्मली मैं इसे इवनिंग में बनाती हूँ और रात भर फ्रिज में रख देती हूँ और मॉर्निंग में फिर से निकाल के आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो अब हम यहाँ पर इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। तो फ्रीज़र में रखने के बाद में नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे इसे आपको निकाल के बताया है, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है। तो बहुत ज़्यादा आप इसे इस तरह से परेशान ना हो, गेस्ट हो या बनाना आपको मेहमान आने वाले हैं, 2 दिन पहले आप इस तरह से बना के रख दीजिए। अब हम यहाँ पे इसे बीट करेंगे। तो बीट करने से पहले हमें इसी तरह से आइसक्रीम को डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, इसे मेल्ट नहीं होने दीजिए। काफ़ी लोग यहाँ गलती करते हैं कि वे इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, आपको यहाँ मेल्ट नहीं होने देना है। इसे चाकू से या फिर इस तरह से स्पून से आपको स्क्रैप करके छोटे छोटे से पीसेस निकाल लेने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान देखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों कट कर रही हूँ, क्यों इसे मेल्ट नहीं कर रही हूँ। तो सब चीज़ों के पीछे छोटी छोटी सी साइंस होती है, उसी से हमारी ये टैग जो चीज़ें हैं एकदम परफेक्ट बनती हैं और कुछ गलतियाँ हम घर पे कर जाते हैं, इसीलिए हम कमर्शियल आइसक्रीम नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों आइसक्रीम को स्क्रैप आउट कर लिया है और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। छोटे छोटे पीसेस में इसलिए तोड़ा है क्योंकि हम इसे बीटर से बीट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बीटर ही आपको यहाँ पे चाहिए होता है, तो उसकी ब्लेड डैमेज ना हो इसलिए हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। लेकिन ये अभी भी एकदम सॉलिड फॉर्म में, यानी ये एकदम मेल्ट नहीं हुई है। अब हम इसे कंटिन्यूस यहाँ पर मिक्स करेंगे। करीब 3 से 4 मिनट में ये एकदम फूल के डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से ये ट्रिपल होती है।
तो वीडियो को ध्यान से देखें। धीरे धीरे ये बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी एकदम ज़्यादा बढ़ गई है। हमें यहाँ पे इसे धीरे धीरे स्पीड पे बढ़ाना है। इसकी पहले 1, 2, 3, 4 इस तरह के 4 स्पीड होती है इसकी, तो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए आपको इस आइसक्रीम को बीट करना है। आइसक्रीम को बीट करने का डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप उसे भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी वनीला आइसक्रीम कितनी ज़्यादा फूल के आ गई है। हमने स्टार्टिंग में बोल में कितनी कम आइसक्रीम का मिक्सर डाला था और अब एकदम भर गया है हमारा ये बोल। तो पहले से ही बोल को बढ़ा लीजिए। अब हम यहाँ पर ये आइसक्रीम को तैयार कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो बटर स्कॉच फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं इसमें आप फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास में एक कंटेनर है 800 ml का, आपको मैं बता रही हूँ 250 ml हमने दूध यूज़ किया था, उसमें हम यहाँ पे 800 ml का जो डिब्बा है ये हमारा पूरा भर जाएगा, इवन बच भी जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे पूरा भर लिया है। तो आप देखिए 250 ml दूध का यूज़ करके हमने यहाँ पे 800 ml के करीब ये आइसक्रीम बना ली है। तो 3 times से भी डबल हमारी आइसक्रीम हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कम दाम में टेस्टी और रिच और परफेक्ट हाइजीनिक वे में ये आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इसे हम फ्लैटन कर देंगे और ढक्कन लगा के हम इसे साइड में रखेंगे, जब तक मैं आपको चॉकलेट आइसक्रीम का भी बता देती हूँ। तो ये डिटेल रेसिपी आपको YouTube, Facebook कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस रेसिपी को आप स्पेशली मैंने आपके लिए ही बनाया है, तो इसे आप ज़रूर देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी घर की ही चीज़ें बनाकर खाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने चॉकलेट को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और चॉकलेट आइसक्रीम प्रीमिक्स जो उसे हमने जो बनाया था उसे इस तरह से बोल में डाल दिया है और सेम बीटर से मैं यहाँ पर इसे बीट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँगी और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती जाएगी उस तरह से मैं बीटर की स्पीड बढ़ाती जाऊँगी, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर आपको आइसक्रीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। और इसके लिए वापस से मैं आपको कह रही हूँ कि मेरा जो नॉर्मल वाला एक आइसक्रीम का वीडियो है जिसमें मैंने घर पर आइसक्रीम बनाना बताया है, उसे आप ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैंने काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये भी वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी। अब हम ब्लेड्स को क्लीन कर लेंगे और हमारी टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें और मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे लाके, और चाहे तो और कोको पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब हम इसे भी सेम डिब्बे में, एक और डिब्बा मेरे पास में सेम 800 ml का है, तो उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट के साथ में कुछ चॉकलेट सॉस भी डालूंगी, मेरे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये चॉकलेट सॉस भी घर का ही बना हुआ है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में चॉकलेट सॉस बन के तैयार हो जाता है। तो मैं घर पे ढेर सारा चॉकलेट सॉस बच्चों के लिए बना के रखती हूँ, वे जाने किस किस पे चॉकलेट सॉस लगा के खाते हैं। मेरे को भी कभी सरप्राइज़ होता है कि कहीं वे पकौड़ों के को भी सॉस के साथ, चॉकलेट सॉस के साथ ना खा लें, लेकिन मैं उनके लिए घर पर बना देती हूँ तो वे भी खुश होते हैं और मैं भी कि पॉकेट फ्रेंडली भी है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चॉकलेट सॉस से गार्निश किया है, थोड़ा सा स्वर्ल पैटर्न दिया है ताकि बच्चों को अच्छा लगे और थोड़ा चॉकलेट का टेस्ट ज़्यादा आएगा, तो बच्चों को मज़ा भी आता है और घर की चीज़ें अनलिमिटेड कितनी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चॉकलेट सॉस से गार्निश कर दिया, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह के डिब्बे फ्रेंड्स आप बनाकर इसके बिजनेस कर सकते हैं, एज इट इज़ ये डिब्बा जैसे हम मार्केट से लाते हैं आप इसे आगे और एज अ ऑर्डर फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पर ढक देंगे और इस तरह से हमने यहाँ पे 2 आइसक्रीम बना के तैयार कर ली हैं। दोनों डिब्बों को हम फ्रीज़र में रख देंगे करीब 7 से 8 घंटे के लिए। तो 7 से 8 घंटे के बाद में हम इन्हें खोल के बताएंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी सेट हुई है। और तो देखिए बाकी की प्रीमिक्स को मैंने इस तरह से ये जिपलॉक बैग में रख दिया है। आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप इन्हें आराम से डिब्बों में भर के फ्रिज में साइड में पीछे खिसका दीजिए और जब मन चाहे तब इस तरह से आइसक्रीम बनाइए। तो आप कोई चिंता नहीं है कि मार्केट से आइसक्रीम जाकर लानी है, घर पर ही डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम बनाएं। और इस तरह से देखिए मैंने दोनों आइसक्रीम को सेट कर लिया है, इन्हें फ्रीज़र से निकाल दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे डीमोल्ड करना भी, यानी कि स्कूप आउट करके बताऊँगी कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। देखिए चॉकलेट आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यदि आप इसी किसी गेस्ट के सामने खोलेंगे तो वे बिलीव ही नहीं करेंगे आपने इसे घर में बनाया है। और हमारी वनीला आइसक्रीम भी एकदम परफेक्टली तैयार है। मेरे फ्रिज में ऑलरेडी 3-4 फ्लेवर रहते हैं, तो मैंने आज आपको ये 250 ml दूध से ही बनाना बताया था। तो अब हम इसे स्कूप कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया स्कूप्स हमारे निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे मार्केट से आइसक्रीम लेकर आए हैं और उसे स्कूप कर रहे हैं। और इस तरह से हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम को जब चाहे तब इस तरह से बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इन गर्मियों में क्यों मार्केट जाना, क्यों मार्केट की आइसक्रीम खाना, घर पर ही बनाएं, घर के ही
पर ही एंजॉय करें। और इस तरह से मैं चॉकलेट आइसक्रीम भी आपको स्कूप आउट करके बता रही हूँ कितनी रिच टेस्टी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनकर आई है। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी के लिए मैंने आपके लिए ही सिर्फ मेहनत की है, तो इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मैं एंजॉय करती हूँ ये ठंडी ठंडी घर की बनी हुई आइसक्रीम। थैंक यू।